श्री गुरु पवन जी आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री गुरु पवन जी एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने आध्यात्म के लिए काम किया है, धर्म के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, भारतवर्ष के लिए काम किया है। श्री गुरु पवन जी, मैं आपसे सोशली भी बात करूंगा, साइंटिफिकली भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री ने 7 बातों का जिक्र किया है और ये बात कहते हुए अंत में उन्होंने एक शब्द की संज्ञा दी है, सप्तपदी। भारतीय संस्कार में शब्द का मतलब और मायने क्या होते हैं? देखिए, जो उन्होंने जिस चीज की ये बात की है, ये बात का मतलब है कि उतना अनुशासन हमें रखना होगा और जिस चीज का हमें अनुकरण करना है, जिस लक्ष्य का हमें अनुकरण करना है, उसे बहुत ईमानदारी से हमें इस लक्ष्य का अनुकरण करना होगा, तभी जाकर कठिनाई के बाद जैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसी हिसाब से थोड़ी सी कठिनाई के बाद और लगातार तप के बाद हमें आरोग्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत में तपस्या और त्याग की बात भी कही है। क्या तपस्या और त्याग का मतलब यह है कि भारत ने संयमित होकर के संकल्प के साथ में, विकल्प विहीन संकल्प के साथ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की है? क्या प्रधानमंत्री यही कहना चाहते थे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भारत जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ा है, पूरी दुनिया को भारत ने जो उदाहरण दिया है, वो उसके तप का ही परिणाम है, अनुशासन का ही परिणाम है। पूरी जनता ने जिस तरीके से लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को बंद किया, लॉक किया और समाज से कटे, सोशल डिस्टेंसिंग निभाने की कोशिश करी, यद्यपि कई जगह फेलियर्स भी हुए, लेकिन बाय एंड लार्ज जो सोशल डिस्टेंसिंग निभाने की कोशिश की, उसका ही ये सुपरिणाम निकला है कि हम बहुत कम सुविधाओं के होते हुए, हमारा डेंसली पॉपुलेटेड होते हुए भी, हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत आगे जाकर खड़े हैं और वह हमसे मदद मांग रहे हैं, वो हमारे मॉडल्स को देख रहे हैं, स्वीकार रहे हैं और अपने यहाँ लागू कर रहे हैं, तो ये इस तप और निष्ठा का ही परिणाम है। पवन जी, जरा समझाइएगा हमारे दर्शकों को भी, वयम राष्ट्रीय जागरयाम, इन 3 शब्दों को इनके मायने और मतलब कैसे ले देश? जी, पहले हम ये जानते हैं कि भारत में एक राष्ट्र की अवधारणा रही है और ये ऋग्वेद के समय से थोड़ी थोड़ी रही है, यजुर्वेद में ये विशेष रूप से आई है, रामायण और महाभारत में भी राष्ट्र की इस अवधारणा पर बात की गई है, और जो राष्ट्र का कल्याण करता है इसे पुरोहित कहा जाता है। तो ये जो पूरी तरह जो ये श्लोक बनता है यजुर्वेद के 9:23 में, ये है वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहितः, तो यानी वयम हम राष्ट्र के को जागृत या जीवंत रखने वाले पुरोहित, यानी पुरोहित बने या पुरोहित हैं। यहाँ पुरोहित का जो आधुनिक अर्थ है वो नहीं है, वो पुरोहित यद्यपि उन्होंने शब्द का उल्लेख नहीं किया, शायद जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम राष्ट्र को जागृत रखें, यानी जो राष्ट्र की भावना है उसे जागृत रखें, जो राष्ट्र के लोगों की आपसे ही समन्वय की भावना है उसे जागृत रखें, जो राष्ट्र के कल्याण की भावना है हम उसे जागृत रखें। तो ये जो श्लोक है ये बहुत गहरा है और जो राष्ट्र की बात आती है जब भी, तो यहाँ पर राष्ट्र और समाज में उस समय में बहुत अंतर नहीं होता था, तो समाज के कल्याण की बात करने वाला और समाज के कल्याण का कार्य करने वाली भावना को राष्ट्र के साथ ही जोड़ा जाता था और ऐसे करने वाले व्यक्ति को पुरोहित यानी पुर का हित करने वाला व्यक्ति माना जाता था। तो उन्होंने जो आज ये बात कही है ये बहुत बड़ा संदेश है कि वो भी इसमें शामिल है, हम भी इसमें शामिल है, राष्ट्र के हम जागृति करें। और हमने देखा भी है गुरुजी, धार्मिक आवाहन के नाम पर पूरा देश एकजुट कैसे होता है और वो भी पूरे जोश और उत्साह के साथ, चाहे मुश्किल घड़ी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर तरीके से देश को समझते हैं, देश की इस नब्ज को समझते हैं और संबोधन में उनके जिक्र इन्हीं बातों का होता है। जी हाँ,
दरअसल एक चीज बहुत विशेष है जो उनके बहुत हक में जाती है, वो ये कि उन्होंने बहुत कम उम्र से देश के कई स्थानों का भ्रमण किया और जगह जगह वो लोगों से हमेशा मिलते रहे, इसलिए जो देश की नब्ज है ये उन्हें समझ में आती है, देश के लोगों की जो सोच है और किस चीज से वो जागृत होंगे, किस चीज से मोटिवेट होंगे ये उन्हें मालूम है, तो उनके अंदर एक गुण है एक अच्छे मोटिवेटर का, तो वह बहुत छोटी बात को लेते हैं जो हर व्यक्ति आम तौर से कर सकता है। जैसे उन्होंने जो जब अपने संबोधन का प्रारंभ किया तो उन्होंने गमछा मुंह पे बांधा, तो ये एक संकेत चला गया और एक बहुत बड़ा संकेत चला गया, और उसके बाद जब इन्होंने बात को पूर्ण किया तो ये किया हम सब मिलकर इस राष्ट्र को जागृत करेंगे, तो इंक्लूसिव नेशनलिज्म है ये एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म नहीं है, इट इंक्लूड्स एवरीबॉडी, सब लोग इसमें शामिल होंगे और राष्ट्र को हम जागृत करेंगे, यही उनकी खासियत है, ये उन्हीं की नहीं, ये हर लीडर की खासियत होनी चाहिए कि जिसको उन्हें लीड करना है उनके मर्म को समझे, उनकी सोच को समझे।